चलिए आज एक और नए बच्चे से मिलते हैं, जावेद अहमद, जिनके ऑल इंडिया रैंक 424 है, अंबेडकर नगर यूपी से हैं और जिनको की एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है। तो जावेद, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू टू इम्पेटस फैमिली एंड यू टू सर। तो जावेद, आपने क्योंकि घर पे ऑनलाइन लेके पढ़ाई की थी, इनफैक्ट आप भोपाल अवार्ड सेरेमनी में नहीं आ पाए थे, तो आपकी फ्रेंड नीति, जिनकी ऑल इंडिया 68 रैंक है, वो आपकी अवार्ड भी लेके गई थी मुझसे, और आई थिंक आपको अवार्ड मिल भी गया होगा। पर आप जब भी मौका लगे तो जरूर आइए। पर हर बच्चे के मन में क्या होता है कि हर एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी और सक्सेस जर्नी बहुत अलग अलग होती है। तो जावेद, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो आपने कब सोचा था कि निमसेट करना है या एमसीए करना है, फिर किस ढंग से स्टार्ट किया और किस तरह से घर पे पढ़ाई की, क्या स्कोर आया, ये सारी चीजें आप मुझे डिटेल में बताएं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड प्रतीक सर एंड होल इंपेटस फैमिली, क्योंकि सर होल क्रेडिट्स गो टू यू एंड प्रतीक सर, क्योंकि सर आपके बिना तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सर आफ्टर 12th एज यूजुअल सर, हर स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन रहता है कि 12th के बाद क्या करें। मेरे सारे फ्रेंड्स तो लगभग सभी लोग आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए चले गए थे, पर मुझे आईआईटी करना नहीं था। फिर मैंने डीयू के एडमिशन के लिए गया, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मैं डीयू में एडमिशन नहीं ले पाया, और फिर मैं आके लखनऊ में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बीबीडीयू, वहाँ से मैंने बीसीए में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सब फर्स्ट और सेकेंड ईयर तो ऐसे ही चले गए, फिर उसके बाद थर्ड ईयर आया तो कुछ लगा कि अब तो कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बीसीए करके तो कुछ अच्छा उतना होता नहीं है। तो फिर एक दिन सर मैं ऐसे कॉलेज से अपने रूम पे लौट रहा था कॉलेज के बाद, तो मुझे एक सर पोस्टर दिखा जिसपे लिखा हुआ था कि निमसेट एग्जाम, और कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए थे कि 40 लाख पैकेज और 30 पैकेज। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि हम इसको कर सकते हैं अगर ये हमारे लायक हो तो। तो फिर सर मैं घर पे जाके पहले सर्च आउट किया कि ये निमसेट होता क्या है, तो सर जैसे यूट्यूब पे डाला तो सबसे पहले तो आप ही की वीडियो आ गई सर ऊपर ही। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो पता चला कि अच्छा इसमें मैथ रीजनिंग ये सब आता है, तो सर वो अपने लायक लग रहा था क्योंकि मैथ्स वगैरह आती थी, अच्छी थी हमारी पहले से। तो फिर सर हमने पेनड्राइव कोर्स लिया और फिर आपसे बातें की कि हो पाएगा कि नहीं, तो सर आपने मोटिवेट किया कि हाँ हाँ पेनड्राइव कोर्स ले लो, अच्छा होता है, पहले प्रिपरेशन करो। तो सर मैंने ले लिया, फिर वहाँ से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, पर सर वो एक कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं हो पाती थी पेनड्राइव से। तो सर धीरे धीरे हमने आदत बनाई, हैबिट बनाया बैठने की, तो पर कॉलेज का भी पढ़ाई होता था कि जैसे 10 दिन पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर कॉलेज के सेशनल आ गए, सेमेस्टर आ गए तो पढ़ाई ब्रेक हो जाती थी। तो फिर लास्ट सेम में क्या हुआ कि हमारा एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होता है, तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ता था सुबह से शाम के लिए, फिर पढ़ाई हो नहीं पाती थी। पर सर एक चीज थी कि मतलब ज्यादा नहीं तो 2-3 घंटे तो जरूर मैं निमसेट को देता ही था, चाहे रात में चाहे सुबह में। तो फिर लॉकडाउन आ गया, तो फिर अच्छा एक मौका मिल गया कि अब तो अच्छा कर सकते हैं। फिर लॉकडाउन में हमने अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया। सर मॉक टेस्ट में तो कभी कभी अच्छी रैंक आ जाती थी तो अच्छा लगता था, कभी कभी बहुत ही खराब आता था रैंक। तो फिर आपके मोटिवेशनल स्पीच सुन के, फिर जो आप जूम मीटिंग करते थे उसको सुन के तो बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा चलो हो सकता है, जब सर बोल रहे हैं तो होगा ही। बिल्कुल सही। तो फिर उसके बाद तो एक सर मेरा एक दोस्त था, तो हमेशा कॉल करता था, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो हमेशा यही कहता था कि अगर नहीं हुआ तो कुछ सोचे हो, तो मैं कहा मुझे नहीं सोचना, तुम सोचो, अगर नहीं हुआ तब मैं सोचूंगा, अभी तो मुझे नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो सर कभी कभी मॉक टेस्ट स्किप हो जाते थे तो नहीं दे पाता था, लेकिन उसका एनालिसिस मैं बाद में जरूर करता था, क्योंकि आपने सर बोला था कि मॉक टेस्ट से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस, आप दे पाओ या ना दे पाओ पर उस क्वेश्चन को जरूर एक बार गो थ्रू करो कि किस टेक्निक से सॉल्व किया जाता है कैसे। और सर आपकी पढ़ाने की टेक्निक तो बहुत अच्छी थी सर, वो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते थे, और याद आती है सर आपकी जो छोटी छोटी स्टोरी होती थी जिसमें एक मोटिवेशन रहता था, एक मोरल रहता था,
तो कभी कभी अगर सर आपका वो लेक्चर मिस भी हो जाता था और वो अगर लेक्चर में पहले से पढ़ा होता था तो ये होता था कि अच्छा सर यही पढ़ा रहे हैं, पर वो उसको दोबारा मैं देखता था वो उस स्टोरी के लिए, जैसे जो सर आप छोटी छोटी एक स्टोरी बता देते तो बड़ा मजा आता था सुन के। तो कुछ यही सब था सर। तो फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया और एग्जाम दिया। सर मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट की, सर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन नो डाउट बहुत अच्छी होती है, पर वो लास्ट में वो एग्जाम में जाके इतना पैनिक हो जाते हैं कि वो कुछ और अच्छा कर सकते थे लेकिन पैनिक के वजह से उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो मेरा खुद ऐसा था कि मेरे स्टार्टिंग से 6-7 क्वेश्चन लेंदी थे, थोड़े टफ थे, तो वो उसमें से 2 ही 3 बने तो मैं बहुत पैनिक हो गया कि ये क्या हुआ, मेरे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। फिर आपने जैसे बताया था तो सर मैंने पेन उन सब रख दिया, हाँ 1 मिनट के लिए मैं बैठ गया चुपचाप और आंखें बंद कर लिया। फिर उसके बाद सोचा अच्छा चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं पानी पिया और लॉन्ग ब्रीथिंग किया, फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया तो वहां से मेरा पेपर संभल गया, वरना सर और खराब हो जाता वो। यही सब था सर, बहुत अच्छा। तो जावेद, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छे से समझाई। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन घर पे कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा ही होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में कई बार कंसिस्टेंसी या मोनोटोनस जैसा लगता है, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ या कोई आपके साथ ऐसे कुछ चैलेंजेस आए ऑनलाइन के दौरान जो आपने फेस किए और उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किए? सर ऑनलाइन के टाइम पे तो ये होता ही है कि मतलब वो कोई ऐसे बैठाने वाला नहीं होता है जैसे क्लासरूम में होता है कि बैठ के पढ़ो, आपको ना मन हो फिर भी पढ़ना ही पड़ता है, मन हो फिर भी पढ़ना पड़ता है। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं, आपको खुद एक हैबिट बनानी चाहिए, आपको खुद उसको गौर करना चाहिए कि हमारी क्लासेस चल रही हैं तो उसको रेगुलरली वॉच करें और मॉक टेस्ट आ रहा है तो उसको दें। ऐसा ना हो कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिए फिर क्या हुआ 2-3 दिन हम 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए कि मतलब रेगुलरली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, ये अगर किसी ने मेंटेन कर ली तो वो ऑनलाइन में आज इम्पिटस गुरुकुल के ढेरों बच्चे ऑनलाइन सिलेक्ट हुए हैं अलग अलग जगह पे रह के, क्योंकि कई बार हमारे लिए घर से निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता। उस केस में आप वही गाइडेंस आपको जो क्लास में मिल रहा है वो घर पे मिल सके, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बस जरूरत होती है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन रहे। तो बिल्कुल सही बोला स्टार्टिंग में जावेद। प्रॉब्लम होती है कि मतलब नहीं मन करता है बैठने का, लेकिन सर जब धीरे धीरे वो मोटिवेशन आने लगता है, आपके वीडियोस देखने लगते हैं, तो वो जब आपकी जो मोटिवेशनल स्पीच सुनने लगते हैं, तो वो फिर कंपटीशन जब पता चलने लगता है क्लास में, अच्छा ये इतने लड़के मेरे से आगे हो गए, मेरी रैंक इतनी आ गई, तो सर वो फिर ऑटोमेटिकली आप बैठने लगते हैं ना चाह के भी। बिल्कुल ठीक है, चलो बहुत अच्छी लगी बात मुझे आपसे। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप ढेर सारी रिसोर्सेस के पीछे ना भागें, क्योंकि सर मेरा खुद ऐसा था कि मतलब मैंने बुक्स वुक्स ला के रखी थी क्योंकि कई लोगों से पूछा था, तो कोई आर डी शर्मा बताया था, कोई सेल्फ एक्सप्लोरर बताया था, तो मैंने बुक्स ला के रखी थी, पर सर आपके मटेरियल ही इतने ज्यादा होते थे कि वो सब बुक की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, तो वैसे के वैसे रखी थी, ना ही सर इतना टाइम था कि उसको देखें। तो सर आपकी मटेरियल तो सफिशियंट है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, अगर आपका कोई मॉक टेस्ट स्किप हो जा रहा है नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस जरूर करिए, एक बार नहीं कई बार करिए, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं, बस थोड़े पैटर्न चेंज रहते हैं, और अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होना ही। और फिर लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी अच्छे मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे आप अगर पैनिक हो गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। सबसे पते की बात है कि लास्ट समय में हमारी पूरी पढ़ाई सब कुछ से बड़ी चीज होती है कि हम पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में किस माइंड सेट से बैठते हैं। सर क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे भी साथ ऐसा हुआ था सर, मेरी और अच्छी रैंक आ सकती थी, पर वही सर स्टार्टिंग के टाइम पे आधा घंटा 1 घंटा मैं इतना मतलब नर्वस हो गया कि फिर मैं ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी आपकी बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छा कॉलेज मिला है। अब आप वहां पर भी ऐसे ही परफॉर्म करो अच्छे और जीवन में आगे बढ़ो। जो लोग मिसगाइडेड हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको जरूर मोटिवेट करो जावेद। चलिए, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। आप कुछ और बोलना चाहते हैं? नो सर और कुछ नहीं बोलना चाहते सर, थैंक्स टू यू एंड प्रतीक सर,
एंड माय फैमिली टू। सर आपकी वजह से तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सर। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सर। बस मिलना है आपसे एक बार, यही उम्मीद। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितनी जल्दी हो सके भोपाल आइए, मुझसे मिलिए। और अभी तो आपको अवार्ड मिला है पर मुझसे नहीं मिल पाए आप बाई चांस, तो आप जब भी मौका लगे तो जरूर भोपाल आइए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।